प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। मनी लॉन्ड्रिंग से मतलब समझते हैं ना, काले धन को एकत्र करना। सरकार बहुत संजीदा है इन मामलों में, लेकिन काला धन इकट्ठा करने वालों की कमी नहीं है। काला धन इकट्ठा करना, सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि ये काला धन होता कौन सा है। मेरा कमाया हुआ धन क्या काला धन हो सकता है? तो हाँ, मेरा कमाया स्वयं के परिश्रम का किया हुआ धन, एकत्रित किया हुआ धन काला धन हो सकता है। काले धन से मेन चीज़ ये नहीं है कि काला धन आप कहीं चोरी या डकैती डालकर लाए। काले धन से मतलब है कि जो लीगल सिस्टम में डिस्क्लोज़र होना चाहिए धन का, वो डिस्क्लोज़र नहीं हुआ। उसके जो सोर्सेज हैं वो डिस्क्लोज नहीं हुए होंगे, उसका जो टैक्स है वो टैक्स पेमेंट नहीं हुआ होगा, उसकी जो अदर फिनेंशियल कंप्लाइंसेज हैं वो कंप्लाइंसेज पूरी नहीं हुई, और आपने धन एकत्रित किया किसी भी एन के प्रकरण किया, वो धन इकट्ठा करके आपने कहीं पर इकट्ठा कर लिया, उसको हम काला धन या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस एक्ट के तहत उस धन को रोका गया है कि आप ऐसा धन इकट्ठा नहीं कर सकते, वो मनी को इकट्ठा नहीं कर सकते। हाँ, अपनी मनी को इकट्ठा नहीं कर सकते। करने के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस एक्ट में जेल के प्रावधान हैं, तो जेल भी थोड़ा सा आनंद लेना चाहिए अगर आपने अपने ही धन को इकट्ठा किया है। नहीं, अपना धन डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपको टैक्स के दायरे में लाना पड़ेगा। जो टैक्सेशन के लॉ हैं, जो मनी को लेकर लॉज हैं, बैंकिंग लॉज हैं भारतवर्ष में, उन लॉज के तहत आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपके पास जो भी है। अगर लॉ ये कहता है कि 1.5 लाख तक एग्जम्पशन है, 2 लाख तक एग्जम्पशन है, 2.5 लाख तक एग्जम्पशन है, तो वो एग्जम्पशन है। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स एक्ट तो ये कहता है आपके पास 2 रुपए भी हैं, उन 2 रुपए को डिस्क्लोज करिए। आप बताओ कि हमने इतना कमाया और इतना मेरे पास है, आप उस पर टैक्स मत दीजिए, टैक्स नहीं मांग रहे, लेकिन रिटर्न तो दाखिल करिए, आप हमारे सामने डिस्क्लोज तो करिए आपके पास है। अगर आपने धन डिस्क्लोज नहीं किया और हम सोर्सेज को वेरीफाई नहीं कर पाए, तो हम ये मानेंगे कि अनैतिक तरीके से इकट्ठा किया हुआ धन है। और अगर वो मनी अनैतिक तरीके से इकट्ठी की गई है, तो फिर उस पर प्रोसिक्यूशन चलना चाहिए। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मेन प्रिंसिपल है। अब वो कंपनी हो सकती है, वो एसोसिएशन हो सकती है, वो गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, वो इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, वो प्रोप्रेटरशिप में हो सकता है, वो फर्म हो सकती है, कोई भी हो सकता है। भाई, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप एग्जेम्प्टेड टैक्स के दायरे में आते हैं, ठीक है, आप जितना कमा रहे हैं उतना खर्च कर लेते हैं, तो आपके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन आप एग्जेम्प्टेड टैक्स से ऊपर जैसे ही निकलेंगे तो आपने टैक्स देना है, और नहीं तो आपके पास जो भी धन है उसको डिस्क्लोज तो करेंगे। आपके पास 50,000 रुपए साल में बचाते हैं, वो टैक्स के दायरे में नहीं आता, लेकिन डिस्क्लोज करेंगे कि मैंने 50,000 रुपए बचाए, तो आप एटलीस्ट रिटर्न तो दाखिल करिए, और नहीं तो खापी के बराबर कर दीजिए। और खापी कर बराबर कर दिया, जब अपने पास कुछ है नहीं तो कहाँ लॉन्ड्रिंग होगी? जब मनी नहीं है तो मनी की लॉन्ड्रिंग कैसी? मनी है तो उसकी लॉन्ड्रिंग होगी, मनी है तो इकट्ठा होगा। अगर आपने धन इकट्ठा किया है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया है, और रीजनेबल कॉजेज आपके पास नहीं है, आप डिस्क्लोज नहीं कर पाते, या आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते अथॉरिटीज को कि भाई मेरे पास इतना इतना धन, ये सोर्सेज हैं। सपोज एग्रीकल्चर लैंड का जो पैसा है वो एग्जेम्प्टेड है टैक्स से, लोग करोड़ों रुपए का एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आप उस धन को डिस्क्लोज करेंगे, आप कहेंगे मैंने 50 लाख रुपए का सेविंग की है एग्रीकल्चरल लैंड से, मैं एक भी पैसे का देनदार नहीं बनता, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम टोटल एग्जेम्प्टेड है। अगर एग्रीकल्चरल इनकम टोटल एग्जेम्प्टेड है और मैं कहीं से दाई नहीं हूं, तो डिस्क्लोज तो करेंगे, और आप अगर डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो फिर मनी की लॉन्ड्रिंग होगी तो वो काला धन माना जाएगा, क्योंकि आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, आपने बताया नहीं कि आपके इनकम का सोर्स क्या है।
और फिर आपके ऊपर जो भी मुकदमेबाजी होनी है उसमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको अथॉरिटीज को कि ये मेरा सो था, ये मेरी बिलिंग थी, ये मेरा ऐसा था वैसा था फलाना था ढिमाका था, टैक्स उसको डिस्क्लोज ना करने की जो पेनल्टी पेनल्टी होगी वो लेकर छोड़ देगा। लेकिन अगर आप डिस्क्लोज ना कर पाए, अथॉरिटीज को सेटिस्फाई ना कर पाए, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपके लिए सजा के भी प्रावधान है, आपके ऊपर पेनल्टीज के प्रावधान हैं। और अभी जो सरकार ने 2015 में नया एक्ट पास किया, मार्च 2015 में एक बिल आया था, ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, इसको पूरा नाम दिया ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स बिल 2015। इसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अमेंडमेंट कर दिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अमेंडमेंट करते हुए जो सजाएं थी उन सजाओं को बढ़ा दिया, प्रॉपर्टी को जो अटैच करने के प्रावधान थे वो प्रावधान कड़े कर दिए, उनको रिलीज करने की प्रक्रिया कठिन कर दी, और विदेशों में अगर आपने अनडिस्क्लोज्ड मनी विदेशों में रखी गई है तो फिर उस मनी को पाया जाने पर नॉन सेटिस्फैक्शन की स्थिति में वो मनी तो मनी रही, उसके ऊपर उतनी उसकी दुगनी कीमत तक की मनी जब्त करने के प्रावधान हो गए। अभी आप जैसा इन्होंने कहा कि मनी जितनी विदेशों में थी वो तो आपने पकड़ ली, फिर उसकी दोगुना क्या लोगे में से, तो दोगुना वो लेंगे जो आपने नंबर एक में कमाकर डिस्क्लोज करके रखा हुआ है, और जो भी आपने कमाकर डिस्क्लोज करके रखा हुआ है वो हम जब्त कर लेंगे, और जेल के प्रावधान अलग से हैं। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में दो प्रकार के मामले हैं, एक तो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक डायरेक्टरेट बनाइए, आजकल उसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कह लेते हैं, तो एक डायरेक्टरेट बनानी है, ये एक्ट कहता है, फिर आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम से बनाओ या स्काई या पृथ्वी या धरती जो नाम रखो वो अपना रखना है। ये एक्ट कहता है कि दो सिस्टम हैं, कंफ्यूजन उन दो में ही होता है, केवल कंफ्यूजन उन दो में ही होता है। एक बात तो आती है कि आपने एक अथॉरिटी बनाई, अथॉरिटी की एक अपीलेट अथॉरिटी बनाई, अपीलेट अथॉरिटी की अपील हाईकोर्ट ले गए, एक सिस्टम ये चला। क्या? एक आपने अथॉरिटी बनाई जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को देखेगा, उस अथॉरिटी की एक अपीलेट अथॉरिटी बनाई जिसमें आपको अगर वो कहते हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हैं, अब मनी लॉन्ड्रिंग ये मनी जो है वो नंबर एक की नहीं है, ये काला धन है, ये ऐसा है वैसा, जो भी वो कहते हैं, जैसे ही वो इसको डिस्क्लोज करते हैं आपको कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप इन्वॉल्व हैं, उनका कोई ऑर्डर होता है, ठीक है ना। ऑर्डर में क्या करेगा, वो मनी जैसे ही पकड़ेगा तो वो जब्त करेगा, आपकी प्रॉपर्टी जब्त करेगा, प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद जो भी पेनल्टी पेनल्टी है वो लगाएगा, और पेनल्टी लगाने के बाद आपसे कहेगा कि भाई चलते बनो, फाइन शाइन उसने लगाना है, या जेल के लिए वो कह सकता है कि भाई ये है। उस बात से आप आहत होंगे तो अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे, अपीलेट अथॉरिटी के पास आप गए तो उस पर नीचे जो अथॉरिटी ने ऑर्डर किया है उसको अपीलेट अथॉरिटी में चैलेंज करेंगे, चैलेंज करने के बाद अपीलेट अथॉरिटी ने भी कहा कि नहीं ये धन जो है आपका वो मनी लॉन्ड्रिंग ही है, ये काला धन है, उस बात से आहत होकर अपील सीधा हाईकोर्ट जाएगी। एक तो ये सिस्टम है, ये क्लियर होता है। हाँ नहीं, अभी हाईकोर्ट जा रहे ना, मैंने कहा अभी अभी जेल नहीं भेजा, सेक्शन 4 इसका जो है जो पनिशमेंट की बात करता है, पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें वो 3 साल का पनिशमेंट कम से कम और 7 साल का मैक्सिमम, क्या 3 से 7 वर्ष। अभी 2015 में कुछ अमेंडमेंट आया है उसमें शायद बढ़ा दिया हो, उसको उम्र कैद तक ले गए, तो जो पनिशमेंट है ना सेक्शन 4 में जितना भी है मिनिमम और मैक्सिमम जितना भी पनिशमेंट है, जब आपको ये घोषित कर देगा कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया है
तब फिर डायरेक्टरेट से हट जाएगा मामला। क्या दो सिस्टम है? मैं बार बार कह रहा हूं, दो सिस्टम है। एक सिस्टम तो यह है कि एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को उसने अथॉरिटी दी है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर जांच करेंगे। जांच करने के बाद आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और आप कहेंगे कि ये मनी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ठीक है ना। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अलावा भी कोई है क्या? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ही है जो ये सारे मामले देखती है और कहती है, जैसे अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का कुछ धन पकड़ा और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि ये धन अनैतिक है। तो अब क्या करना है? अब इन मुख्यमंत्री को अपने सारे रिसोर्सेस ओपन करने हैं कि उनके पास ये धन कहां से आया, ठीक है ना। उन्होंने इनकम टैक्स में इसको डिस्क्लोज किया होगा, इसके साथ एक्साइज डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जो इस तरह के दूसरे डिपार्टमेंट हैं वो मिलकर सामूहिक कार्य करते हैं, और जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला फंसेगा तो ये वो उनको असिस्ट करेंगे। इस एक्ट के में ये प्रावधान है कि वो इनको असिस्ट करेंगे। जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी मांगेगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। एक्साइज डिपार्टमेंट से मांगेगी तो एक्साइज उसको डिस्क्लोज करेगा। फेरा फेमा के तहत जो अथॉरिटी बना रखी है फॉरेन एक्सचेंज को लेकर, उससे मांगेगी तो वो करेगा। एनडीपीएस के तहत अगर बना रखी है तो उसको डिस्क्लोज करेगा। कोफी पोसा के तहत अगर बना रखी है तो डिस्क्लोज। ये सारी क्या है? ये सारे कहीं ना कहीं धन को लेकर, कुछ स्मगलिंग एक्टिविटीज को लेकर, कुछ एक्सचेंज को लेकर, कुछ इनकम टैक्स को लेकर, कोई एक्साइज ड्यूटी को लेकर, ये कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो अब धन जब आपने इकट्ठा किया तो आप इनमें से किसी रूट से आए होंगे, इनकम टैक्स में डिस्क्लोज करके आए होंगे, सेल टैक्स में कर रहे थे तो सेल टैक्स में आपने बताया होगा हमने ये सेल करी, आप एक्साइज का पेमेंट कर रहे थे तो एक्साइज को आपने डिस्क्लोज किया होगा, आप फॉरेन से एक्सचेंज ले रहे थे तो फॉरेन एक्सचेंज जो भी डिपार्टमेंट बनाया होगा उसके पास आप जाएंगे, नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट या फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, उस एक्ट के तहत आपने क्लेरिफिकेशन दिए होंगे, क्लियर किया होगा, जो भी हुआ, कुल मिलाकर आज की तारीख में आपके पास धन मिला। वो धन काला धन है ये कौन बताएगा? वो धन काला धन है ये कोई नहीं बताएगा, ये तो ये बताएगा, ये एक्ट में जो अथॉरिटी बनाई है ना सरकार ने, वो अथॉरिटी बताएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की कि भैया ये धन काला धन हम देखेंगे और हम चेक करेंगे कि ये धन काला धन है कि नहीं है, ये धन मनी लॉन्ड्रिंग की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। इस अथॉरिटी के सामने मामला जाएगा, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जाए, वो किसी और डिपार्टमेंट से जाए, वो सरकार की तरफ से जाए, वो कहीं से भी जाए, जहां धन पकड़ा गया उन्होंने उठाकर उसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दे देना कि भैया आप देखो ये धन कैसा है। वो अथॉरिटी उस पर अपनी जांच करेगी, उसके सामने वो सम्मन करेगी, आपको बुलाएगी, आप उसके सामने अपना मैटर डिस्क्लोज करेंगे, आप अपने सोर्स ऑफ इनकम बताएंगे, आपने जिन जिन अथॉरिटीज के सामने वो डिस्क्लोज किया हो वो सारी चीजें उसको देंगे, यही है ना तरीका। तो आप उसको बताइए कि भाई नहीं ये ऐसे किया, आपकी कंपनी है तो आपने कंपनी एक्ट के तहत पेमेंट किए होंगे, टैक्स दिए होंगे, कंपनीज रेगुलेशन एक्ट के तहत दिए होंगे, आपकी कंपनी बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत दिए होंगे, आपकी कंपनी एक फाइनेंशियल कंपनी है तो फाइनेंशियल रेगुलेशन एक्ट के तहत दिए होंगे। सब जगह अलग अलग मामलों की अलग अलग अथॉरिटी है, उनमें आप कहीं ना कहीं किसी समुद्र में नहाए होंगे, जहां कहीं भी नहाए धोए थे वो उनके सामने डिस्क्लोज करिए। अगर आपकी पैतृक संपत्ति थी तो अथॉरिटी को सेटिस्फाई करिए कि इसको मुझे डिस्क्लोज करने की आपको, क्योंकि ये मेरी फ्रेश इनकम नहीं है, ये हमारी पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति है तो आपने वेल्थ टैक्स दिया होगा, वेल्थ घोषित करी होगी, कुछ तो कहीं ना कहीं तो आपने प्रमाण